हेलो मेंटर्स के साथ सुन लोगों में ये ठीक होता है। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। उससे पहले मुझे आप लोगों से एक चीज़ कहनी है, पोकेमॉन एक्स वाई की गेम प्ले गेम में तो वहाँ पे FPS बहुत ही लो आ रहे हैं, तो मैंने दूसरी जगह पर जाकर उसे खेलने दूसरे मिनट में जाकर उसे खेलने की कोशिश की। पहले सिस्टर पर खेला, मैं सिस्टर एक्चुअली रुका हुआ खेल रहा हूँ, तो मतलब वो तो मैं पहले से ही खेल रहा हूँ जो मैंने उसे डाउनलोड किया था। उसके बाद मैंने वहाँ पर भी उसे खेलना शुरू किया ताकि मैं आगे जाके वहाँ से स्टोरी का अंदाज़ा लगाऊँ और फिर वहाँ पर एकदम अच्छे से खेलूँ। लेकिन तो मैं अभी लेकिन वहाँ पर चेंज के चश्मन को ऐसा स्टार्टर चूज़ किया था क्योंकि मतलब उसमें तो फ्लॉकी है ही, तो फिर मैंने ऐसा किया था। तो फिर उसके बाद अभी मुझे उधर FPS बेहतर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं उधर से वीडियो अगर रिकॉर्ड करूँ तब उधर से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं उधर से वीडियो रिकॉर्ड करूँ कि इधर से वो आप लोग मुझे बता दीजिए। अगर आपको अच्छा FPS चाहिए, आप चश्मन से भी मतलब ठीक आपको अच्छा लग रहा है तब मतलब आप लोग मतलब ये मुझे बता देना। और अगर आप लोग चाहते हैं फ्लॉगी से खेलूँ तो मैं सिलता ही कंटिन्यू करूँगा, और आप बता देना कि मैं क्या करूँ। तो फिर अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना किसी इंट्रो के साथ, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। तो आज की वीडियो का टॉपिक बताया तो मैं भूल ही गया था, तो मैं बताया था आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गो को सब लोग क्यों हेट करते हैं। तो फिर देखो, उससे पहले IS बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी, क्या गो ने उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो सन एंड मून चीज थी उसे क्यों लोग हेट करते हैं। उस पर तो मैंने मतलब वीडियो पहले से ही बना दी है, लेकिन अब मैं इस टॉपिक में बना रहा हूँ तो मैं वो भी आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गो जो है ना, हमेशा से हम लोग ऐश को ही देखते हैं, हमें ऐश ही बेस्ट लगता है। तो हम लोग यहाँ पे भी चाहते हैं कि हम लोग मतलब मेन फोकस वहाँ पे ऐश पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबके साथ ठीक तरीके से पेश आए, उन्होंने सब पे फोकस किया, गो पे भी फोकस कर रहे हैं, ऐश पे भी फोकस कर रहे हैं, सबके पोकेमॉन पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पहले हमेशा ऐश पे ही फोकस करना होता था इन्हें, और हमेशा पोकेमॉन कंपनी वाले ऐश पे ही फोकस करते थे, इसी वजह से हमें लग रहा है अब ये लोग ऐश फोकस नहीं कर रहे, गो पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए हमें लग रहा है कि हाँ, ऐश अब एनआई का मेन कैरेक्टर नहीं रहा, गो धीरे धीरे से रिप्लेस करेगा। लेकिन बता देता हूँ कि कोई किसी को रिप्लेस नहीं करने वाला है, गो भी आएगा, ऐश भी आएगा, दोनों अच्छे हैं। और मैं बता देता हूँ कि दूसरा रीज़न है कि ऐश कभी कोई पोकेमॉन पकड़ता ही नहीं है, लेकिन गो इतने सारे 80 पोकेमॉन तो बड़े ही आसानी से पकड़ चुका है, और आगे वो पकड़ता ही ज़्यादा है। हर एपिसोड में 10-15 पोकेमॉन मतलब एक पोकेमॉन तो पकड़ ही देता है, यहाँ पे ऐश 10 एपिसोड में भी एक पोकेमॉन नहीं पकड़ पाता है इसी वजह से। और उसने तो लेजेंडरीज को पकड़ दिया है, एटन एटन सीकोन इन दोनों को पकड़ दिया है, लेकिन ऐश का क्या, ऐश ने तो आज तक कोई लेजेंडरी नहीं पकड़ा। हाँ मतलब मिथिकल पोकेमॉन जरूर पकड़ा है, और स्वर्गारियों का भी मतलब उसका एक टेम्पररी पोकेमॉन कह सकते हो स्वर्गारियों को भी। और बता देता हूँ कि ये गो जो है क्या उसे, और वो भी वो बैटल के बिना पोकेमॉन को पकड़ता है, तो क्या बैटल के बिना पोकेमॉन को पकड़ना ऐश ने तो नहीं किया था, मतलब कांटो में वो उसे इसी वजह से प्रॉब्लम भी हो रही थी। लेकिन ब्लैक एंड वाइट में हमने देखा होगा ऐश ऐसे पोकेमॉन पकड़ लेता था। और देखो आप लोग भी जब गेम में आपको मन नहीं करता पोकेमॉन से फाइट करने का, तब भी तो आप लोग मतलब पोकेमॉन से बैटल करते ही हो ना, मतलब पोकेमॉन से बिना बैटल किए जो उसे पकड़ने की कोशिश करते हो ना, तो वैसे ही गो भी कर रहा है। अब आप लोग करें और गो करें, आप लोग करें तो ठीक है, और गो करें तो गलत, तो ये थोड़ी ना अच्छी बात है। अभी फ़र्क अभी बात आ जाती है इसमें कि क्या गो को हेट करना सही है, तो फिर मैं भी उस बारे में भी आपको बताता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि गो को हिट करना कैसे है, तो मैं बताता हूँ कि गो पहले कुछ नहीं था, अचानक से उसने सब पोकेमॉन को पकड़ना शुरू कर दिया और ड्रीम फुलफिल करना शुरू कर दिया, तब आप लोग उससे हेट करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, तब क्या ये सही है, ये आप खुद ही सोच लो और मुझे बताओ।
तो अगर यानी कि अभी तो आप लोग समझ गए होंगे कि गोगो ईट करना अच्छा नहीं है। अभी भी नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ कि गोगो ईट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि गो अपना ड्रीम पूरा कर रहा है। ड्रीम पूरा करने के ये मतलब अगर ऐश अपना ड्रीम पूरा करने के लिए ये लोगों से कहे कि ये जीतने के बाद कि मैं फिर तुमसे फिर बैठक करूँगा और नहीं करता है, और या जब हार जाते हैं तब फिर से बैठक करने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें काम ही नहीं होता है कि फिर से बैठक करेंगे। और गोवा के बिना बेटे के बुकन को पकड़े था वो रहते हैं कि ऐश की हरकतें सही है, और गो जब किसी से ऐसा झूठा वादा करते हैं कि तो आज ऐसे भी हो तो सकता है पीरियड को बेटे झूठा के वादा बिना। किया था कि उसे नहीं आएगा, तो फिर अब आप समझ ही गए होंगे।